इनसे ज्यादा बटर स्मूथ गियर बॉक्स में एक जो रॉ पावर वाली फील आती है भाई, इन गाड़ियों को जो चलाने में मजा है ना, वो किसी गाड़ी में नहीं है। सो दोस्तों, ये वाली की आप देख रहे हो, कुछ याद आई? तो जो ओल्ड इज गोल्ड वाली कहावत है ना, वो इस गाड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है। वो क्यों बताता हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बाइक की समरी दे देता हूँ। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये भाई अपाचे RTR 160 है, ठीक है। और ये गाड़ी लगभग 10 साल पुरानी हो चुकी है, आप कंडीशन से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई इस गाड़ी में यार देखो एक खासियत है यार, ये BS3 मोटरसाइकिल है और इसकी कंडीशन आप चेकआउट करो। जब ये मैट ब्लू वाला एडिशन आया था तभी हमने ये मोटरसाइकिल खरीदी थी, मेरे भाई ने खरीदी थी, ठीक है। तो इस गाड़ी की आप कंडीशन देखो, ये गाड़ी आज भी उसी तरह स्टॉक कंडीशन पे है। वही इसके DRLs हैं, जो आई लेसेस होती हैं वो हैं, इसके बाद जो सारा का सारा ये बाइक है वो पूरा स्टॉक है, कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कराए गए। कि उस टाइम की जो मोटरसाइकिल आती थी ना यार, ये जो BS3 मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये गाड़ी लगभग, मैं बताता हूँ आपको, मीटर ऑन करके दिखाता हूँ कि कितना किलोमीटर चली हुई है। और ये देखो 62,484 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, इसकी आज तक भाई क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई है, ना तो इसका हाफ इंजन का काम हुआ है, ना तो कुछ हुआ है। ऑल द वे ये मोटरसाइकिल इंजन के तौर पे स्टॉक है बिल्कुल, ठीक है। इवन दो जो इसके फ्रंट सॉकर हैं, इसके आज तक सॉकर सील भी नहीं चेंज हुआ, मतलब कभी ये लीक करे ही नहीं है। हालांकि इसका जो डिस्क प्लेट है वो चेंज हो चुका है और डिस्क पैड ये देखो कट जाते हैं, तो ये तो चेंज होंगे ही, लेकिन इंजन में भाई आज तक इस गाड़ी में कोई काम नहीं हुआ यार। इवन दो जो मीटर है, मीटर भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो निडल एंडरलेन रस देती है ना, और ये जो व्यू है और ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है, इनसे बहुत लोगों की मेमोरी जुड़ी होंगी। और ये सिल्वर कलर के जो इसके ब्रेक लीवर और क्लच लीवर है, तो आप समझ सकते हो भाई ये मोटरसाइकिल एक इमोशन थी। उस टाइम पे मार्केट में केवल पल्सर और अपाचे ही चला करती थी और इन गाड़ियों को इतना क्रेज़ होता था भाई कि क्या ही कहें। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, TVS ने जो इस मोटरसाइकिल में काम किया था ना भाई, वो यार कमेंडेबल जॉब थी यार। मतलब मैं आपको चला के दिखाता हूँ यार, ठीक है। और इस गाड़ी को चलाने का रीज़न पता है क्या है और दिखाने का रीज़न पता है क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल की गाड़ियाँ ना, जो BS6 आ गई हैं या जो BS6 फेज 2 हो गई हैं, वो कितनी ज़्यादा भाई अंडररेटेड हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस तो बढ़ी गई है, ये हमने 85,000 में ख़रीदी थी और भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आज भी जिंदा है यार। मैं आपको सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, ठीक है। गाड़ी हमारी न्यूट्रल पे है, आप देखो कितना ईजिली एंड स्मूथली ऑन हुई है ये। 1500 RPM पे इसका ये सेट है, ठीक है। हालांकि माइनर स्क्रैचेस वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इस गाड़ी को। देखो पूरा का पूरा ये ब्लू लाइट जो जलती है, और इसके बाद ये टेल टेल लाइट्स हो गई और ये क्लिप ऑन हैंडल बार हो गया। तो आप इसका पूरा सेटअप देखो यार, इसको रेफ करके दिखाता हूँ। अपने टाइम की सबसे ज़्यादा बेस्ट साउंडिंग मशीन है और आज के टाइम में भी ये बेस्ट साउंडिंग मशीन है भाई, ठीक है। नो गियर पोजीशन इंडिकेटर, नो सोसाबाजी, नो ब्लूटूथ दुनियादारी, ये सब कुछ नहीं। जब ये निडल उठती है ना, तब भाई अपने दिल का जो धड़कन होता था ना, वो उड़ जाता था। दिखाता हूँ मैं आपको, पहला गियर इंगेज एंड लेट्स गो। इस गाड़ी की सीट हाइट ऐसी थी कि इसको हर एक बंदा चला सकता था, हर एक बंदा। इस मोटरसाइकिल के साथ आप ये कर सकते हो, समझे। जो आजकल की जितनी भी मोटरसाइकिल आ रही हैं वो इस BS3 RTR 160 के आगे भाई, मतलब समझ रहे हो, पानी है यार वो। और देखो इतना ये चल चुकी है, क्लच प्लेट इसकी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो थोड़ा बेयर करिएगा। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, ये गाड़ी लिटरली उछलती है, ये देखो ऐसा करती है। और जो भाई ब्रेकिंग फीडबैक वगैरह है, हालांकि ओल्ड हो गई है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जब ये नई नई थी ना यार, मतलब ये गाड़ी बैंग ऑन। मैंने इसको फर्स्ट टाइम 128 किलोमीटर पर आवर चलाई थी जब ये मोटरसाइकिल पहली सर्विस हो के आई थी भाई, ठीक है। और गाड़ी का जो रेस्पॉन्स है RTR, देखना आप ये चीज़।
10,000 आरपीएम पे रेड लाइन करती है मैन। मेरा सच बताऊं क्या मन कर रहा है कि इस गाड़ी को रीबिल्ड करना चाहिए यार। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इसका रीबिल्ड सीरीज आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल लेके आऊँगा क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं इसका रीबिल्ड सीरीज बनाऊँ और इस गाड़ी को प्रॉपर नए तरीके में कन्वर्ट कर दें, पूरी चीज़ें जितने भी इसकी जो भी चेंज करने लायक हो। क्योंकि ये गाड़ी भाई इंजन से बहुत ज़्यादा रिच है, हालांकि बॉडी से थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब हो चुकी है, बट इंजन इसका आज भी इतना दमदार है कि पूछो मत। आप समझ सकते हो कि 60,000 के ऊपर चल चुकी है लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, इवन दो क्लच प्लेटें चेंज नहीं हुई और इसके जो टायर्स है वो 2 बार चेंज हो चुके हैं। एक बार स्टॉक टायर जो आते हैं, इसके बाद बीच में हमने चेंज करवाया, सेट के टायर डलवाए थे, फिर इसके बाद अभी चेंज हुए हैं। तो यानी कि ये 2 पेयर टायर भाई चेंज कर चुकी है यार, समझ रहे हो। लॉक सेट इसका 2 बार चेंज हो चुका है, अब ये समझ लो। लेकिन इंजन में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ और इंजन आज भी भाई वैसा परफॉर्म करता है कि पूछो मत। पीस लाइक अ केक, ये देखो। इस गाड़ी में थोड़ा सस्पेंशन का काम है पीछे, अदरवाइज इसकी स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको घाट पे भी चलाया है और मैंने इसको अपने एरिया से गोरखपुर भी चलाया है, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास। तो गाड़ी में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ यार, गाड़ी इतना स्विफ्ट चलती है ये कि पूछो मत। आज भी मतलब इस गाड़ी का जो राइडिंग स्टैंड है वो चलाने की बहुत आदत है यार, मतलब क्या ही लगती है यार जब ये निडल ऊपर की तरफ जाती है तो फीलिंग टच हो जाती है। फोर्थ गियर में 105-106 रख दी थी इसने, समझ रहे हो। तो पांचवें गियर में लगभग 115 के आसपास गाड़ी रख देती थी पहले भी, लेकिन अगर और इसमें अगर क्लच प्लेटें अभी मैं नई डलवा देता हूँ तो ये गाड़ी और ज़्यादा रिफाइंड चलेगी और वैसा वाइब्रेशन भी नहीं फील हो रहा है जैसे हुआ करता था यार। मतलब गाड़ी है यार ये टॉप की। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ड्यूक लाइक परफॉर्मेंस है, ड्यूक 200 वाली, वो इस पर मिलती है यार, इस पे मिलती है। और इसकी टक्कर की कोई भी 160 सीसी मोटरसाइकिल नहीं है, इवन दो हॉर्नेट चलाता हूँ मैं तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सैलो लगती है इसके आगे। ये गाड़ी की कुछ बात ही अलग है यार। और जो पेटल डिस्क आई थी इसके साथ, जो डबल डिस्क का वेरिएंट आया था, वो बहुत ही शानदार है। पेटल डिस्क इतने शानदार ब्रेक हैं इसके कि पूछो ना। आप लगा दो बस गाड़ी रुक गई और एकदम रॉ, नो ABS। आपके हाथ में ABS होना चाहिए ये समझ लो। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप कभी ऐसा इस तरह की आपको गाड़ी मिले ना आज की डेट में, क्योंकि ज़्यादातर मिल जाती हैं, तो मेरे हिसाब से लेना वर्थ इट रहेगा यार। अगर आपको सेकेंड हैंड में मिल रही हो ऐसी गाड़ी बहुत सस्ते रेट पे, तो आप उसको ले कर उसको रिबिल्ड कर सकते हो और आपको ये गाड़ी भाई निराश नहीं करेगी। आज भी मतलब इसकी जो स्टाइलिंग है और सारी चीज़ें हैं वो आज के टाइम भी इतनी पुरानी नहीं है कि आप इसको अवॉइड करो कि बिल्कुल ही बेसिक गाड़ी हो, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से भी जो TVS ने फीचर्स दिए थे, जो TVS ने जो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के दिए ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और ये वाला मीटर भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है यार, मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इसके साथ, समझ रहा हूँ। ये जब रात में लेट अप होता है ना, ये ब्लू कलर का, और ये जब निडल एकदम ऊपर की तरफ जाती है रेड कलर पे, भाई एक अंदर से एड्रेनलिन रस महसूस होता है यार गाड़ी चलाने में। और ये गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग भी बहुत टॉप क्लास है। अभी ये चल रही है, ये देखो मैंने गियर उतारा, वाओ। और बैक फायर भी मारती है अभी, ये भी समझ लो, जैसे सुपर बाइक्स में थोड़ा साउंड आता है ना वैसा, तो वैसा वाला साउंड ये भी करती है। और गियर बॉक्स के बारे में बता दूं यार, तो मैंने आज तक जो TVS की ये जो गाड़ी आती है 160 और 164V, इनसे ज़्यादा बटर स्मूथ गियर बॉक्स मैंने नहीं चलाया यार, नहीं चलाया। और आप लोग ने अगर किसी बाइक का एक्सपीरियंस किया हो तो बताना मुझे, बट इससे ज़्यादा स्लिक गियर बॉक्स मैंने आज तक नहीं चलाया, बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है। आप मतलब ऐसे चेंज करोगे बहुत ही एफर्टलेस। और क्लच का पुल भी बहुत ज़्यादा लाइट है यार, अगर आप इसका टाइम पे क्लच केबल चेंज कराते हो तो इतना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि पूछो मत। अब देखना, अब गियर मुझे उतारने हैं ना, तो जस्ट मुझे क्लच दबाना है और देखो कितनी जल्दी उतरते हैं गियर, उतने ही जल्दी चढ़ते हैं, तो मतलब भाई बहुत एफर्टलेस। और देखो आप, वाह,
जो इसका हॉर्न है वो भी बहुत सिग्नेचर हॉर्न है, लोग हॉर्न से पहचान जाते थे कि भाई RTR आ रही है, समझ रहे हो, उस टाइम की बात है। और आज की जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना उनमें वो चीज़ यार फील ही नहीं आता यार, भले ही इवन दो कितनी भी पावरफुल हो या कुछ भी हो, बट उसमें एक जो रॉ पावर वाली फील आती थी ना वो कुछ भी नहीं रह गया यार गाड़ी में। अब ऐसा लगता है कि बस ठीक है यार, चल रहा है काम, हम चला रहे हैं। बट इतने सारे गवर्नमेंट ने नॉर्म्स ला के रख दिए ना, उससे भाई हो क्या रहा है ना कि जो आम आदमी है ना यार वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सच बताओ, स्प्लेंडर वगैरह 1-1 लाख रुपए की आ रही है, पता नहीं क्या ही दिक्कत है गवर्नमेंट को कि टू व्हीलर में ऐसा ये सब चीज़ें लगा के रखी है। बड़े व्हीकल्स में लगाते तो समझ में आता है, लेकिन इनका सब BS6 ये सब करते जा रहा है, BS7 BS8, मतलब गाड़ी ख़त्म हो जाएगी यार, फिर बैटरी वाली रह जाएगी तो भाई क्या होगा यार। हमारी जो जनरेशन है वो तो चला के दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रही है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना वो कभी इन सब गाड़ियों के बारे में महसूस ही नहीं कर पाएगी यार, क्योंकि उनको कभी चलाने को नहीं मिली, समझ रहे हो। तो ये गाड़ी अपने आप में जेम है यार, और उस टाइम की ये गाड़ी जिनके जिनके पास है वो लोग जानते होंगे कि भाई इंजन क्या ताबड़तोड़ इसका इंजन है यार, मतलब किसी को भी लपेट दो वन वे। ये लो एक गियर उतारो और RTR का मजा लो। मतलब इस गाड़ी को चलाने में ना मुझे आज भी वैसा ही कॉन्फिडेंस आता है जैसे पहले आता था यार, मजा आती है इस गाड़ी को चलाने में। जो भी ओनर रह चुके हो ना इस गाड़ी के मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताना, क्योंकि ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो मुझे लगता है सभी की फैमिली में ज़्यादा टाइम तक रही होगी, किसी न किसी जिनके जिनके पास रही होगी उनके फैमिली के साथ ये बहुत टाइम रही होगी गाड़ी, और शायद हो सकता है अभी भी चल रही हो जैसे मेरे पास चल रही है। ठीक है भाई, जैसे देखो कितनी बढ़िया सी कूल डाउन हो रही है। आप सुन रहे हो ना बैकग्राउंड नॉइस क्या क्रिएट कर रही है गाड़ी। नहीं चाहिए यार अपने को स्लीपर क्लच और फ्यूल इंजेक्टेड दुनियादारी, भाई इन गाड़ियों को जो चलाने में मजा है ना वो किसी गाड़ी में नहीं है। सब कुछ अपने हाथ में ही है, अपने हाथ में ही ABS है, अपने हाथ में ही स्लिपर क्लच है। उस टाइम के हिसाब से जितनी भी ये सब रॉ गाड़ियाँ आती थी ना उसी की वजह से इनकी कॉस्ट कम है। बट ABS को हम नहीं कह सकते कि ABS एक बेकार चीज़ है, ABS बहुत ही अच्छी चीज़ है, खास तौर पे अमेच्योर राइडर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल लोग पावरफुल गाड़ी ले तो लेते हैं लेकिन चलाने का उनको पता नहीं होता है, तो ज़्यादातर वही लोग घुस जाते हैं। अब इसके स्टीयरिंग स्टेम में भी काम है, खैर इतना काम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इतनी गाड़ी चल चुकी है, बट इंजन से ये गाड़ी बिल्कुल भी दम नहीं तोड़ी है यार, अजब की इतनी रफ यूज़ की गई है इस गाड़ी को कि पूछो मत। बहुत लोगों ने चलाया है और मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा क्लॉक की है, लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर तो मैंने ही चलाया है, बाकी मेरे भाई ने चलाया है, तो बहुत लोगों ने इस गाड़ी को चलाया है बट इस गाड़ी ने भाई दम नहीं तोड़ा। और ट्रैफिक में भी आप देख लो कैसा परफॉर्म करती है, वाओ। अलग प्यार है यार ये मेरा, जब भी मैं इस गाड़ी को चलाता था, जब भी मैं रोड में लेके जाता था, एक फीलिंग आती थी, दिस इज़ द परफेक्ट मोटरसाइकिल, नो पल्सर्स, नो CBRs, नथिंग। बजट में इससे बेहतर गाड़ी मुझे उस टाइम पे कोई नहीं लगी, क्योंकि साउंड अच्छा, पिकअप अच्छा, 2-valve head है भाई, 4-valve की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। 2-valve head जब इतना खतरनाक काम कर रहा है तो 4 का क्या करोगे।
ये गाड़ी लिटरली रोर करती है कि बस आप इसको खींचो। ये थी भाई उस तरह की गाड़ियों की लेगेसी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रॉ ब्लॉग शूट करूं, ताकि आप लोगों को एक कनेक्शन याद आ पाए कि इस गाड़ी के साथ सब लोगों की मेमोरीज़ क्या थी। और मुझे कमेंट्स करके बताना यार, जो भी आपके थॉट्स हों या जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को ये वाला रॉ ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देख रहे हों ओल्ड बाइक्स के, तो भी कमेंट करिएगा। और मुझे आपको फाइनली ये बताइए कि हम इसका रीबिल्ड सीरीज़ चालू करें या नहीं। क्या आप चाहते हो कि मैं इसको पूरी तरह से नई बना दूं और फिर इसको हम रोड पे चलाएं, या कुछ अपने पर्सनल टच दें? तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, तो हम लोग इसकी रीबिल्ड सीरीज़ जो है चालू कर देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।